सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि बेहतरीन वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचते रहें। दोस्तों आज हम आप सभी से कुछ अपने जीवन पर कुछ जो हमारे समय इस समय जो हो रहा है, जो काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी अगर सफलता ना मिले तो दुख तो होता ही है। क्योंकि हमने करीब नवंबर में, आज से करीब नवंबर आने को है और 4 साल होने को, हमने एक फर्नीचर का दुकान किया था अपने ही गांव क्षेत्र में, जो अपना एरिया है। और दुकान दोस्तों हमने किया उस समय करीब हमने 1.5 लाख रुपए का आसपास इन्वेस्ट किया था। लेकिन यहाँ पर जैसे सीजन में जैसे फर्नीचर क्या है, बेड वगैरह जो भी शादी के आइटम बनते हैं, उसके बाद में जो है और जो आइटम होते हैं, सिर्फ शादियों का जैसे सीजन रहता है उस टाइम काम ज़्यादा चलता है, उसके बाद में काम डाउन हो जाता है। या कहीं कहीं ऐसे भी हैं जो बहुत से बेईमान होते हैं और उनका हमें काम कर दिया मान लीजिए, तो करने के बाद में वो फिर पैसे का आ जाता है समस्या, क्योंकि वो पैसे फंसा लेते हैं और फिर पैसों के लिए हमें काफ़ी दिनों तक झेलना पड़ता है, कई बारी नहीं भी देते हैं। तो दोस्तों इसी लिए हमने सोचा आप सभी को दिखाएं अपना, जो बताएं आप सभी से, क्योंकि मैं घर में बैठा हुआ था, वहां से फिर बाहर आया खेत की तरफ, वहां पर ऐसे बताएंगे तो लोग हंसते हैं, एक दूसरे का मजाक बनाते हैं। तो दोस्तों इसीलिए हमने सोचा आपको दिखाएं। और दोस्तों मैंने उस समय जब इन्वेस्ट किया था तो काफ़ी दिनों तक तो काम ही नहीं चला, फिर धीरे धीरे कुछ मैंने मतलब कुछ काम मिला फर्नीचर का ही, बेड वगैरह ये सब और आइटम का। लेकिन जो पहला कस्टमर था वो ही बेईमान निकला था। उस समय भी मेरा शुरू शुरू में जब कोरोना शुरुआत हुआ था उसी टाइम की बात है, और उस टाइम पर पहला जो कस्टमर हमको ऑर्डर दिया था उसी ने हमारे साथ में गेम कर दिया था। और उस टाइम उसने किस्तों में रुपए दिए और 6,000 रुपये नहीं दिए, क्योंकि वो बेईमान था। कई लोगों ने बाद में बताया कि ये इससे बच के रहना था। तो ऐसे दोस्तों हमारे जीवन में और भी लोगों को हमने जो फर्नीचर दिया है वो भी ऐसे बेईमान निकले, क्योंकि जिस टाइम में हम फर्नीचर शादियों का तैयार करते हैं उस टाइम पर तो बहुत प्यार से बात करेंगे, हर एक बात है। जब उनको उस टाइम पर उठाना होता है सामान दुकान से, तो बहाने कई सारे होते हैं उनके पास, कहते हैं कि आप फर्नीचर सामान मतलब लदवा उसको गाड़ी पर लोड करवा दीजिए, उसके बाद 2-4 दिनों बाद। कई बार ऐसे कोई लोग साथ में उनके आ जाते हैं कि हाँ मैं उसका जिम्मेवार होता हूँ, और उसके बाद में ऐसे ही बोल के और लेके चले गए लौट के पैसे। ना वो जिम्मेवार ही आते हैं ना ये, धीरे धीरे पैसे आपके बर्बाद, मतलब मिलना कुछ नहीं। कई बारी 2-4 हज़ार रुपये दे दा के इधर उधर से ख़त्म कर दिया और आपका पैसा मतलब वो किसी काम का नहीं रहा। कई बार आपको कोई समस्या हुई दवाई या कुछ भी, तो आप बहुत किसी तरह से रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने कहीं 1,500-2,000 दे दिया, नहीं तो आपके पैसे फिर ऐसे ही मतलब बेकार हो जाएंगे और ना ही वो पूरे मिलेंगे ना आपका कोई काम होगा। तो ऐसे ऐसे दोस्तों जीवन के वाक्या हैं। और जो है गांव में सबसे बड़ी बात तो यही है कि बेईमानों की संख्या काफ़ी, जो ऐसे होते हैं जो सिर्फ बहाना देके और लेकर चले गए लौट के, उनको आना नहीं है और आना है तो कोई कोई शरीफ होते हैं जो दे देते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल ही रहता है जो आपको पैसे मिल जाए सामान के। तो दोस्तों मुझे लगता है काफ़ी संघर्ष झेलने के बावजूद मैं अपने थोड़ा फर्नीचर की जो वीडियो आप सभी को दिखाता हूँ ट्रिक वगैरह, उस वीडियो को मैं अपने घर पर ही रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि दुकान जो है दुकान तो काफ़ी बड़ी है लेकिन उसमें पेंट वगैरह है नहीं, अंदर लाइट की व्यवस्था है लेकिन पेंट है नहीं। और हम पेंट वोंट मान लीजिए करवाते हैं तो मकान मालिक भी वैसे ही कुछ हैं, तो ये सब चीज़ें थोड़ा वैसे रखना पड़ेगा साइलेंट। तो दोस्तों ये सब समस्या है। और जो है इतने सालों से हम मेहनत कर रहे थे, उसके बावजूद अगर सफलता ना मिले, हम जो है इतने सालों से काम सीखे लकड़ी का, फर्नीचर का, एल्युमिनियम टफन शीशे का, हर तरह का,
और गांव में हमने दुकान किया और इससे अगर कोई लाभ ना मिले और हम कुछ कर भी ना पाए तो बेकार ही है हमारा जीवन। लेकिन अब दोस्तों देखते हैं, धीरे धीरे आप सभी प्यार अपना बनाए रखिए, क्योंकि समस्या बहुत है और झेलना, संघर्ष करना ही पड़ेगा, बिना संघर्ष के तो कुछ मिलना नहीं है। तो इसलिए आप सभी सपोर्ट बनाएं हमारा, और हो सकता है मैं कुछ दिन के लिए बाहर कहीं जाना पड़ेगा क्योंकि समस्या है। और अभी इसी सीजन में ही हमारे पिताजी की भी डेथ हो गई थी, अप्रैल में 11 तारीख को। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी समस्याएं आई, और उसके बाद में जो है कुछ हो भी नहीं पाया, और अभी ऐसी मजबूरी है कि जाना पड़ेगा माता जी को छोड़ करके, कुछ शहर के लिए कुछ कमाना पड़ेगा, नहीं तो फिर अगर कमाएंगे नहीं तो बहुत आगे भी बहुत सारे काम हैं। और ऐसे ही फिर टाइम काटना वाली बात है, दाल सब्जी नमक वाली, तो फिर उसमें कुछ होना नहीं है। दोस्तों आप सभी को एक बात और बताएंगे, जो हमारे एक अलग एक विषय लेकर आएंगे, जो गांव में अगर कोई ऐसे, मतलब जैसे हमने काम सीखा और उस समय हमको भी बहुत बेचैनी थी कि चलिए मैं दुकान करता हूँ, गांव में खोलेंगे या कुछ भी करेंगे, अपने एरिया में ही रहेंगे, तो वो जो है एक अलग जुनून था। लेकिन उसी जुनून पर हम एक वीडियो बनाएंगे आप सभी के लिए, एक दो जो दुकानदार हैं, फर्नीचर का ही काम कर रहे हैं, बड़े या छोटे हर तरह के, उनको हम साथ में लेकर के आप सभी के खुद बात करके दिखाएंगे कि कितना यहाँ पर कैसे पूंजी चाहिए और किन किन जानकारियाँ होनी चाहिए यहाँ पर दुकान करने से पहले, चाहे वो लकड़ी खरीदना हो या पेड़ खरीदना हो या गोटे खरीदना हो, गट्टी जैसे लकड़ी, स्लीपर भी यहाँ मिलता है पर स्लीपर महंगा रहता है, पेड़ या फिर जो गोटा होता है ठेकेदारों से, उन सब तरह की वीडियो, सामान के लिए कितना होना चाहिए और एक कितनी पूंजी चाहिए दुकान के लिए पर्याप्त, इन सब पर वीडियो आप सभी को जल्द ही मिलेंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जरूर पसंद आएगी, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।